नमस्कार। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होनी, जिसका मेन कारण जो है वो आपका आयरन हो, ये बहुत कॉमन है। इंडिया के अंदर देखा गया प्रायः के पिछले कई सालों से इम्प्रूवमेंट हुई है हेल्थ कंडीशंस के अंदर, डाइट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जो एनीमिया है, जो खून की कमी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाया। कुछ असेसमेंट्स कहती हैं कि हर 3 में से 2 महिलाओं को और इतने बच्चों को और 3 में से कम 1.5 व्यक्ति को, पुरुष को, खून की कमी रहती है भारतवर्ष के अंदर। कई कारण हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि खून के अंदर आयरन की कमी से होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो एनीमिया है, कितने हीमोग्लोबिन के नीचे को बोलते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि WHO कहता है कि 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल है तो उसको हम कम से कम पुरुषों में तो इतना नॉर्मल मानते हैं, लेकिन इंडियन कंडीशंस के अंदर कई बार हम महिलाओं के अंदर 11 ग्राम हीमोग्लोबिन को भी नॉर्मल मानते हैं, और पुरुषों में तो मैं मानता हूँ कि 12.5 ही होना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम है आपके बॉडी के फंक्शंस को करने के लिए। और ये कैसे पता लगेगा कि आपको खून की कमी है? उसके कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे उन लोगों को ओवरऑल देखा जाए तो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि एक्सट्रीम फटीग है, वीकनेस है, स्किन पीला पड़ना है, चेस्ट में पेन होता है चलने फिरने वक्त, उसके बाद सिर में दर्द, चक्कर आना और कोल्ड हैंड एंड फीट, ये भी उसके अंदर बहुत कॉमन है। जुबान के चारों तरफ जो होता है लालपन सा आता है, वो इन्फ्लेम जो टंग है वो भी दर्शाता है कि खून की कमी हो सकती है। ब्रिटल नेल्स, आपके नाखून जितने मुलायम और वो होते हैं, ये अगर खून की कमी ज़्यादा दिन तक रहे तो ब्रिटल यानी कि जल्दी टूटने वाले हो जाते हैं। उसके बाद इन खासकर बच्चों के अंदर क्रेविंग होती है कि जो नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं, जैसे मिट्टी खाना, डर्ट खाना, ऐसी चीज़ों खाने का, या बर्फों में रखना, ऐसी चीज़ों के खाने की क्रेविंग होती है। खून की कमी से ही आपकी डाइट भी कम हो जाती है बाद में, और वो और ज़्यादा आपको आयरन डेफिशिएंसी करता है। और इन सिम्टम्स को देखते हुए ये आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये कब ज़्यादा होता है, किन लोगों के अंदर ज़्यादा, इसके ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे। जिन लोगों को ब्लड लॉस ज़्यादा है, एक्सीडेंट हुआ या ऑपरेशन है कहीं जिसमें कि खून की काफ़ी जो है बह जाता है, उन केसेस के अंदर, या जिन लोगों की डाइट के अंदर आयरन कम है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन जिनकी डाइट में आयरन कम है उनको, या कई लोगों के स्टोमक के अंदर या आंतों से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और कुछ लोगों के अंदर तो हम कई दवाइयां ऐसी खाते हैं, या जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं खाने के साथ, उनके भी आयरन डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि हर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, अगर उसको भूख ना लगे, उल्टियाँ आती रहती हैं, तो उन केसेस के अंदर भी खून की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और उसी प्रकार से उन बच्चों को भी हो जाती है। तो ये आपको मोटा मोटा बताया गया। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? कई बार बच्चों के अंदर पेट के कीड़ों की वजह से आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, या आपके लैट्रिन के माध्यम से खून भी जो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वो खून आपको दिखाई देने लग पड़ता है, या प्री मैच्योर बच्चे जो समय से पहले बच्चे पैदा हुए,
या जिनको डिलीवरी के बाद, जिनके पैदा होने के बाद जो प्रॉपर न्यूट्रिशन खासकर आयरन वाला होना चाहिए था वो उनको नहीं मिला, या वेजिटेरियन लोग जो हैं उनके अंदर, कई लोगों के अंदर खून की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि यूजुअल जो वेजिटेरियन फूड्स हैं उसमें आयरन जो है उसकी मात्रा कम पाई जाती है, या फ्रीक्वेंट ब्लड डोनर्स हैं जो लोग बार बार ब्लड देते रहते हैं गिनती पूरी करने के लिए, उनमें टेम्प्रेरी होता है लेकिन उनमें भी एक हमेशा संभावना बनी रहती है कि उनके अंदर भी खून की कमी हो जाएगी। तो ये तो खून की कमी के आपको लक्षण बता दिए, आपको ये बता दिया कि किन लोगों में ज़्यादा होता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि किन चीज़ों में ज़्यादा होता है। अभी हमने बात की नॉन वेजिटेरियन फूड्स के अंदर, जैसे मीट है, पोर्क है या पोल्ट्री है, उसके अंदर आयरन रिच होता है। सी फूड में या बीन्स जो हैं, हमारी फलियां हैं, लेग्यूम्स हैं, उनके अंदर डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, जैसे पालक है, उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर आपको खून में आपको आयरन मिलेगा। चुकंदर के अंदर बहुत आयरन मिलेगा। ड्राइड फ्रूट्स हैं, रेजिन्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, उनके अंदर भी आपको आयरन की मात्रा ठीक ठाक मिलती है। कुछ आज की तारीख में आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स आने लग पड़े हैं, ब्रेड्स हैं, ऐसी चीज़ों के अंदर भी आपको आयरन की सप्लीमेंटेशन होती है। तो मोटा मोटा देखें कि जहाँ तक हम वेजिटेरियन डाइट की बात करें, हर हरी सब्जी या हर रंगदार सब्जी कहें तो उसके अंदर आपको आयरन की मात्रा ठीक ठाक मिलेगी, और जिन सब्जियों के साथ विटामिन सी भी हो, जैसे ब्रोकली है, ग्रेप फ्रूट है, कीवी है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर संतरे हो, पपाया हो, स्ट्रॉबेरी हो, इवन आपका टमाटर, ऑरेंज, इन चीज़ों के अंदर भी आपको अच्छी आयरन की मात्रा मिलेगी, और क्योंकि विटामिन सी भी इसके साथ इंक्लूड है तो उन लोगों के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन आपके शरीर के अंदर ज़्यादा मानी जाती है। अब आयरन डेफिशिएंसी कई बार बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों में पेट में कीड़ों की वजह से हो सकते हैं, या जिन लोगों को माँ अपना दूध ज़्यादा देर तक नहीं देती, या जिन लोगों को जो अभी भी ग्रामीण होते हैं दूध के अंदर पानी डाल के जो पिलाती हैं, उसके अंदर पानी तो पेशाब के रास्ते निकल गया लेकिन दूध बचा गया, उसके अंदर भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है। और यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि खासकर जो गाय का दूध है उसके अंदर आयरन का वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, तो उनको यूजुअली सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। तो फोर्टिफाइड फूड्स हैं उन लोगों को, बच्चों को जो जन्म से पहले, समय से पहले हो गए, उन लोगों के अंदर आयरन फोर्टिफाइड फूड्स या पाउडर्स या फार्मूलाज अवेलेबल हैं, उनको वो भी दिए जा सकते हैं। तो साथियों, ये हमने आज देखा, और इसके भरपाई के साथ साथ जो हमने अभी नेचुरल चीज़ों की बात करी, ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी हो तो उनको आयरन रिच डाइट के साथ साथ आयरन की टेबलेट्स, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स भी दी जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा कमी हो, हमें ये हो कि हमने जल्दी खून की भरपाई करनी है, तो इंजेक्टेबल आयरन के सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर और भी ज़्यादा हो, एकदम एक्यूट स्टेज हो, यानी किसी व्यक्ति का इतना ब्लड लॉस हो गया कि 3 से 4-5 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया, उन लोगों को फास्ट रिकवरी के लिए जो ट्रांसफ्यूजन्स की भी जरूरत पड़ती है, ट्रांसफ्यूजन्स अलग अलग तरह के होते हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे, आज के इस प्रीव्यू से बाहर है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि ओवरलोडिंग ऑफ बॉडी विद आयरन रिच फूड और आयरन प्रिपरेशंस कैन आल्सो बी ए डेंजरस फिनोमिनन, इसकी क्योंकि आयरन एक्युमुलेशन होता है बॉडी के अंदर, और आपके लीवर और किडनी के साथ साथ
अन्य कई कॉम्प्लिकेशंस भी आयरन की ज़्यादा मात्रा लेने से हो सकती है। तो साथियों, हमने देखा कि आयरन बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। हमने सिर्फ आज आरबीसीज की बात करी, उसके साथ साथ आयरन के बहुत बड़े स्टोर्स जो हैं लीवर के अंदर, बोन मैरो के अंदर, इनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो इनकी भरपाई करना मुझे लगता है कि एक WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें सबको एम करना चाहिए कि 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रत्येक व्यक्ति का हो। इसी के लिए हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।